अरे जैन भाई, जैन भाई, जैन भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तरफ से भी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम लोग जाने वाले हैं मुरादाबाद, जो कि अभी हम झुमका सिटी यानी कि झुमका चौराहे पे पहुंच चुके हैं, बरेली पे। और कुछ ही टाइम में हम आपको मुरादाबाद में होंगे। 2 घंटे लगभग यहाँ से लगता है बरेली से मुरादाबाद का टाइम। और फिर अब सबसे पहले हमने जो प्लान किया जिस हिसाब से, उस हिसाब से सबसे पहले हम आमिर टॉप रियल टीम जो है उससे मिलेंगे, फिर हम लोग जो है राउंड टू हेल टीम से मिलने जाएंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो एक इब्राहिम भाई करके हैं, राउंड टू क्या नाम है, मोनू इब्राहिम नाम ना, मोनू इब्राहिम नाम है भाई का। सो उनसे मिलेंगे, जो रोस्ट बहुत अच्छा करते हैं, खासकर सोफिया अंसारी को। सो उनसे भी मिलना है। सो देखते हैं कैसे क्या होता है, बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ एंड तक। तब तक तो गाइस, इस समय ये झुमका चौराहे पे हैं हम। यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगने वाले हैं मुरादाबाद के लिए। सो चलते हैं कार में अपनी। तो गाइस, हम लोग रामपुर आ चुके हैं अभी, मतलब मिलक क्रॉस किया, रामपुर में एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है इस समय, और साथ ही साथ धूप भी निकल रही है। धूप और बारिश दोनों एक साथ हो रही है। सो लगभग अभी आधा घंटा लगभग ऑलमोस्ट, या 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटे में हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है आज का। मुरादाबाद आ चुके हैं अब। यहाँ से हमने सबसे पहले जो जैसे प्लान किया था उसी हिसाब से हम लोग जाने वाले हैं, सबसे पहले टॉप रियल टीम से, जो कि आमिर भाई के घर पे, शायद क्योंकि उनके भाई की शॉप है यहाँ पर बागवाड़ा में। सो शॉप तो आज क्लोज है क्योंकि ईद का दिन है। सो इसलिए हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले उनके घर पे, देखते हैं उनके ऑफिस पे कौन कौन मिलता है पूरी टॉप रियल टीम में से, कि दानिश भाई, जावेद भाई और विपिन भाई, देखते हैं कौन कौन मिलता है। सो पहले उनसे मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में।
तो गाइस मुरादाबाद के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं पागवाड़ा जो जगह है वहां पर, और यहां मार्केट में अभी आपको दिखाएंगे कि किस जगह आमिर भाई के भाई की दुकान है, जो मोबाइल की शॉप है उनकी, जो पूरी यहां पर मोबाइल की मार्केट है, ये वाली है शायद है दुकान है सोइप सेल पॉइंट। ये है देखो, ये लास्ट में है। गाइस यही रास्ता है आमिर भाई के घर के जाने का, और अभी आपको दिखाएंगे कि आमिर भाई का घर कहाँ है और ऑफिस, और उन्हीं के घर के सामने जो T2 है, जो बिपिन TRT उनकी शॉप है कॉस्मेटिक की, और वहाँ पर ही एक बराबर में थोड़ा सा स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है, वहाँ पर वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं मोस्टली। जीना लगा जाइए। तो ये है ऊपर ऑफिस में, यहाँ पर वो क्रिकेट वाली वीडियो बनती है सारी इसी में। अरे मुझे गाइस हम लोग आमिर भाई के यहाँ पर आ गए हैं। फिलहाल कार तो उनकी दोनों घर के बाहर खड़ी हुई है, इसका मतलब घर पे तो है पक्का, ये बात गारंटी है, क्योंकि हम पिछली बार आए थे और उस समय क्या था, ये लोग नैनीताल गए हुए थे, पूरी टॉप रियल टीम जो थी वो नैनीताल गई हुई थी। सो आज कार घर पे खड़ी है, तो इसका मतलब ये गारंटेड हो गई कि ये मिलके तो हम लोग पक्का जाने वाले हैं। सो बने रहिए, और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती हुई इसी के साथ, और मेरे साथ वालों की एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है। हाँ, राजा भाई की बढ़ेगी, राजा के चाचा लगते रिश्ते में। गाइस ये कार खड़ी है दोनों आमिर भाई की, और ये वो बैंड बाजा भारत बैंड जो अभी वीडियो बनी थी कुछ रील थोड़े टाइम पहले, यहाँ पर ये क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाली वीडियो जो बनाते हैं। अरे तो घर में जाना, उधर इधर कहाँ मिलेंगे अब वो? घर में पूछ के आए के लिए। यही सामने ऑफिस है उनका, ये कॉर्नर पे दिख रहा है, ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है सामने। ये ठेली पे अभी वीडियो बनी थी कुछ लास्ट रील। ये हमारी लाश खड़ी हुई है मोटी। अरे बाजी ये पकड़ ले, ऑफिस है TRT टीम वालों का, ये ऑफिस है, मैं ऑफिस में देख के आता हूँ है या नहीं है। है भाई साहब ऊपर हैं, वो ऊपर हैं, देखिए आए ये भाई साहब लॉक है, और ये चाहने वाले खड़े हैं उनके, ये देखिए जूम करके देखिए ना, ये चाहने वाले खड़े हैं, और ब्लैक कुर्ता वाला तो बहुत चाहता है, उन्हें दिल और जान से चाहता है। कुल मिला के उनका लॉक लगा हुआ है ऑफिस में। अब थोड़ी तू पकड़, मैं बकवास कर लूं, अब थोड़ी सी तू मेरा हो जा। अरे मैं नहीं बना उसको, अगर मैं वीडियो बना रहे बकवास मत कर। ये एक भाई हमारा घर में घुस गया, घर में देखने गया कि है या नहीं है, ये उनका घर है, और ये दुकान है जिसमें उनकी कार खड़ी होती है, नई वाली BMW टॉप मॉडल। भाई हमारे भूरा भाई है, कह रहा है उनकी बाइक नहीं है यहाँ पर, वो बाइक सेकंड है। ये हमारा चाट बंडा, क्या कह रहे हैं जी विपिन का भैया लग रहा है, चाचू को फोन लगा, चाचू कह रहे हैं लंड मुल्ले, हाँ
ये आमिर भाई के भाई हैं, छोटे भाई हैं आमिर भाई के, ये हमारे, ये आमिर भाई के छोटे भाई हैं हमारे, देखिए इन्हें, ये जा रहे हैं स्कूटी लेके अपने घर में। गाइस हम लोग हमारे मुरादाबाद में जो चाचू हैं उनके यहाँ पर आए हुए हैं, अब यही हमको घुमाने घुमाने बोलो गाइस हमारे जो चाचू हैं मुरादाबाद में, जो जिनने जिन्होंने हमें पिछली बार नाजिम भाई से मिलवाया था, तो उनके घर पे हम लोग आए हैं ईद का दिन है इसलिए। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं जैन भाई के यहाँ पर, तो जैन भाई से मिलेंगे, जो हमारे चाचू हैं वहीं मिलवाएंगे हमको जैन भाई से, और उसके बाद हम लोग जो है कि नाजिम भाई और वसीम भाई से मिलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन कौन मिलता है। ईद का दिन है वैसे तो सब लोग घर पर ही हैं, और इंशाल्लाह हो सकता है सबसे मिलेंगे हम लोग, तो बने रहिए ब्लॉग में तब तक। तुरंत बोतल दी गई भाई साहब, कॉन्ट्री पीना है क्या आपको? ऑफिस चेंज कर दिया है, मेन कैरेक्टर्स ऑफ राउंड टू। तो गाइस जैन भाई आने वाले हैं, इधर दिखाना, इधर बता दी, इधर देख रहे हैं। तो गाइस हम लोग जैन भाई के ऑफिस में आ गए, और जैन भाई आने वाले हैं अभी, हमें तालिब भाई मिले थे, तो वो अभी बुलाने गए, कह रहे हैं आप बैठो अभी बुलाते हैं, क्योंकि ईद का दिन है, वो अभी भी घर पे ही है। तो बाहर देखते हैं क्या चहल पहल हो रही है थोड़ी। आ रही अमान, तू अंदर आ जाना जी, फोटो ला रहा है, क्या की जा रहा हूँ अंदर, क्या अच्छी कौन सी बात है, अरे अंदर ना है वो दूसरा रास्ता है। अच्छा, सो गाइस यही है जैन भाई का ऑफिस, जो मैं आपको पहले भी मेरे पिछले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर जैन भाई आने वाले हैं, क्योंकि आज घर पे ईद का दिन है, पिछली बार हम लोग जैन भाई से नहीं मिल पाए थे, तो इस बार पक्का मिल के रहेंगे और पक्का आपको भी मिलाएंगे। और ये दूसरा वाला पंखा चेकअप चल रहा है वाला फैन, हाँ ये उधर से ही होगा शायद। अब हम जैन भाई के ऑफिस में फैन चलाने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये कबीर भाई ने जला दिया फैन, ये फैन चला दिया, वाह। यहाँ पर ये लुक चेंज कर दिया है यहाँ पर ऑफिस का, जो पहले ये मिलता है इसकी जगह ले। तो
भाई आ गए नहीं हमको मिलवाने वाले हैं, उनको मिलवाने वाले हैं, इनके भाई लगते हैं वो। ये छोटू, ये छोटू खू गया है। वेयर आर यू फ्रॉम छोटू? वीडियो मत रोकिए, सही है भाई, ब्लॉग बना दो। अब एक मिनट मूवी देखो भाई, गाइस अब हमारे जो आसिफ भाई हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, ज़रा जैन भाई आने वाले हैं क्योंकि उनके जो साथ वाले हैं वो हमारे चाचों के बहुत ख़ास हैं, सो उनसे मिलने के लिए। अरे जैन भाई, जैन भाई, जैन भाई, सो गाइस जैसे आपने देखा कि अभी जैन सभी भाई आके हमसे मिले थे, सो बहुत ही अच्छा नेचर है, डाउन टू अर्थ है बिल्कुल, और मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली होकर मिले हैं, मतलब कुछ एहसास नहीं होने दिया कि हाँ भाई कोई बहुत ज़्यादा वो है, तो बहुत ही बढ़िया नेचर रहा इनका। अब इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं कि नाजिम भाई और वसीम भाई से देखते हैं और आमिर भाई से देखते हैं किससे मिलना हो पाता है। सबसे पहले हम लोग यहीं पर आए हैं और हो सकता है मोनू इब्राहिम भाई जो उनसे भी मिलने का चांसेस है, सो वो हो जाए तो और अच्छी बात है। सो वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आज थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड में बार बार अटक रहा हूँ, एक्साइटमेंट बहुत हो रही है क्योंकि पिछली बार हम लोग आए थे तो नाजिम भाई मिले थे, जैन भाई मिले नहीं थे, और आज मिल गए तो मुझे खुशी से थोड़ा मतलब फील ऐसा हो रहा है ना, तो बोलने में बार बार हेजिटेशन हो रही है। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक ए फ्यू मोमेंट्स लेटर
लोग बरेली वापस आ चुके हैं। और तो गाइस जैसे कि आपने अभी इस ब्लॉग में देखा कि राउंड टू हेल की टीम से हमें अभी जैन सैफी से मुलाकात हुई थी, और टॉप रियल टीम में हमें सिर्फ नादिर भाई ही मिल पाए क्योंकि आमिर भाई और बाकी सब लोग बिजी थे, ईद का दिन था तो काफ़ी घूमने उमने निकल गए थे वो। और एक फोर बॉयज डाउन करके जो है मोनू इब्राहिम नाम है जिनका, उनसे मुलाकात हुई। उनका नेचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा एवल इंसान है, और खासकर जैन सैफी भाई तो बहुत ही कमाल है। तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं बरेली और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और बिल्कुल कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका बेस्ट पार्ट क्या लगा पूरा ब्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।